ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित्कृपातुमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। जो मुखम करोति वाचालम मंत्र है, इसका अर्थ है कि जो मुखबीर है, जो बोल भी नहीं सकता, वो गुरु की कृपा से बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता है। जो पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा है, जो पैरों से चल नहीं सकता, वो गुरु की कृपा से पहाड़ को क्रॉस कर सकता है। और ये सब भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा से होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी वाला मंत्र भेज दीजिएगा ना। जी माता। अध्याय चौथा, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 32। हमने कल 31 तक समझा था, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए कि सारे के सारे यज्ञ जो हैं, एक सलाह देते हैं, वो है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति में संयमन, इंद्रिय निग्रह करना, ये जो है बहुत बड़ी सलाह दी जा रही है सारे यज्ञों के द्वारा। और कैसे एक व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है, यज्ञ करके, अर्थार्थ भगवान से जुड़ करके, भगवान के संबंधित कुछ ज्ञान या फिर कर्म या फिर योग आदि कर करके वो प्रसन्न रह सकता है। अगर वो अयज्ञ से है तो प्रसन्न नहीं रह सकता है। और उसके लिए हमने पढ़ लिया था कि जो अज्ञान वाला व्यक्ति होता है वो पाप कर्म करता है, और पाप कर्म फिर इस भौतिक बंधन का कारण है। जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है वो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, और वो फिर किसका कारण है? मुक्ति का कारण है। फिर हमने देखा कि जो चार वर्ण आश्रम के बारे में बताया गया है, वर्ण और आश्रम में चार जो वर्ण है वो कौन कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। तो वेदों में मोक्ष की बात तो की गई है, मुक्ति मिलने की बात तो की गई है, पर वो कौन सा प्रोसेस है? ग्रेजुअल प्रोसेस। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो अर्थ की चिंता नहीं होगी, अर्थ मिल जाएगा। और अर्थ मिल जाएगा तो व्यक्ति काम में लग सकता है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लग सकता है। पर वो भी बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति अगर वो धर्म के नियमों के अनुसार करता है तो वो जो है मनुष्य है, अगर नहीं करता है तो वो जानवर है। और फिर काम के बाद आगे उसको मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना होता है। और मनुष्य जीवन एक ऐसा मौका है जिसमें हम इस भौतिक भाव बंधन से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए अंत में कहा गया था कि वास्तविक सुख जो है वैकुंठ जाके मिल सकता है, इस भौतिक जगत में नहीं मिल सकता। और फिर लास्ट लाइन कही गई थी कि कृष्ण भावनामृत सारी समस्याओं का समाधान है। सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, आज का श्लोक 32वां। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करके बैठे और कृपया करके बुक्स लेके बैठे अपने। गीता दे जानी माता जी, हरे कृष्णा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे है कर्मजान विद्धितान सर्वान एव ज्ञात्वा विमुक्षसे। दोहराएंगे सभी लोग, रिपीट कीजिए महेंद्र जी। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। यस, आप में से श्लोक का उच्चारण कीजिए। एस एन बांगर जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानी विधि तानस्व नैवं ज्ञातव्य विमोक्षसे। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो इसमें क्या शब्द आ रहे हैं संस्कृत के, देख लेते हैं जिनके हम फोकस कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाला श्लोक था उसमें क्या था? अयज्ञस्य, और एक क्या था? सुख। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। एवं इस प्रकार बहुविधा विविध प्रकार के यज्ञाः यज्ञ वितता फैले हुए हैं ब्राह्मणः ब्रह्मणः वेदों के
मुखे मुख से मुख में, कर्म जान कर्म से उत्पन्न, विद्धि जानो, तान उन सर्वान सबको, एवं इस तरह ज्ञातवा जानकर विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। तो एक शब्द जो है अंतिम वाला वो कौन सा है, विमोक्ष से, अर्थ क्या है, मुक्त हो जाओगे। मुक्त कैसे हो जाएंगे, उसके लिए कहा जा रहा है एवं ज्ञातवा, यह जानकर, क्या जानकर, कर्म जान विद्धि तान सर्वान, सारे कर्म जो है अल्टीमेटली ज्ञान में एंड होते हैं, अल्टीमेटली जो है उसका अंत जो है ज्ञान में होता है। तो ये जो कहा गया है इस श्लोक में, अब हम संस्कृत वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद अब हम उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। तो सबसे पहली बात क्या कही गई, विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। दोहराएंगे आप, पहले दोहराइए, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये बात कही गई है। सबसे पहली बात, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ, जल्दी से बोलिए भगवती माता जी, कौन कौन से विभिन्न यज्ञ, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ कौन से, एवं पीछे जो यूज हुआ उससे संबंधित है, एवं बोलिए प्रभु जी, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ। हाँ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, कर्म यज्ञ, ये सारा जो है यज्ञ बोला जा रहा है। ये सभी प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। वेद सम्मत का अर्थ क्या होता है शैल शर्मा माता जी, वेद सम्मत, शैल शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिनकी अभिव्यक्ति वेदों में या हमारे पौराणिक ग्रंथों में की गई है, या जिसको हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया, तपो यज्ञ हो गया, योग यज्ञ हो गया, ये सब का सब वेदों में बताया गया है। इसलिए हमें अब आगे समझना है कि यज्ञ तो सारे वेदों में सम्मत हैं, सब कुछ बताए गए वेदों में ये सारे यज्ञ, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। कैसे उत्पन्न है, विभिन्न प्रकार के कर्मों से। कौन कौन से कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, कोई दान देने का कर्म करता है, कोई अध्ययन का कर्म करता है, कोई जो है श्रवण का कर्म करता है, ये सब कर्म जो है उसी से उत्पन्न होता है। अगर श्रवण करने का कर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, श्रवण यज्ञ। ज्ञान का कर्म कर रहे हैं तो हम ज्ञान यज्ञ, दान का यज्ञ कर रहे हैं द्रव्य यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, ये कर्मों से ही उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। पिछले श्लोक से संबंधित जैसी की जैसी बात है, वैसी ही बात है कि अगर तुम ये जानोगे कि ये सारे जो व्यक्ति ये जानता है कि ये सारे यज्ञ वेदों में दिए गए, शास्त्रों में दिए गए, वो धीरे की धीरे किसकी तरफ आगे बढ़ता है, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। सेम बात यही कही गई है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा वेदों में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, उस रूप में जानोगे तो मुक्त हो जाओगे। ठीक है, पर ये सारे यज्ञ जल्दी से बताइए क्या तुरंत मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं, नहीं? ये सारे यज्ञ कैसे हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो धीरे 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 हमें मोक्ष मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन एक यज्ञ ऐसा है जो तुरंत मुक्ति दिलाता है, और वो यज्ञ कौन सा है, भक्ति यज्ञ, भक्ति करना, दिव्य भक्ति में स्थित होना। ठीक है, अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, कर्ता भेद के अनुसार। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था खैनी परिवार का, राइट, उसी तरह से एक और उदाहरण दे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक जो है भिखारियों की गैंग का लीडर है। ठीक है, भिखारियों की गैंग का क्या है, लीडर है, और उसने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चौराहे पे लगा रखा है।
बहुत सारे बच्चों को, एक बच्चे को उसने अंधा कर दिया उसको अंधे रूप में लगा दिया, एक बच्चे को लंगड़ा कर दिया उसको लंगड़े रूप में लगा दिया, एक बच्चे को उसने जो है क्या कह सकते हैं थोड़ा घायल कर दिया उसके बाद उसको वहां पे लगा दिया, हाथ जो है उस किसी का काट दिया उसको उस तरह से वहां पे उसने लगा दिया, और सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं भीख मांगते हैं, कर्म करते हैं भीख मांगने है। कोई आंख का बोल करके, कोई हाथ का बोल करके, कोई पैर का बोल करके, अल्टीमेटली ये सारा पैसा किसके पास जाता है, उस गैंग के लीडर के पास, उसके मालिक के पास जाता है। तो अल्टीमेटली यज्ञ हमें क्या करवाते हैं, संयम सिखाते हैं, इंद्र तृप्ति से निग्रह सिखाते हैं, कंट्रोल सिखाते हैं, पर भले बाहर से कैसे दिखते हो अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है। कौन सी बुद्धि में लीन है? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि क्या होती है? एक मैं पूछता हूँ स्मिता पटेल माता जी, देहात्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। बहुत सुंदर। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, जल्दी से बताइए कितने परसेंट लोग देहात्म बुद्धि में लीन है? लगभग उत्तर देंगे विजय जैन माता जी, कितने लोग लगभग देहात्म बुद्धि में लीन है? लगभग 90% प्रभु जी। लगभग 90%, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, हरी बोल। रिंगल पटेल माता जी, क्या पूरा ग्रुप छुट्टी बहुत मारता है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम, अच्छा। गीता तेजानी माता जी, लगभग कितने प्रतिशत लोग देहात्म बुद्धि में लीन है? 99% प्रभु जी। 99.9999999% 0.00001% लोग जो हैं, मतलब बहुत रेयर है ये, करोड़ों में एक आध व्यक्ति जो है वो आत्म बुद्धि पर स्थित है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा और उसे करता है। हम भी अभी जो है ये ज्ञान तो रखते हैं गीता का, लेकिन अभी भी हम किसमें हैं? देहात्म बुद्धि में हैं। धीरे धीरे हमें इससे मुक्त होना है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। अब सब लोगों ने अपने आप को देहात्म बुद्धि, अपने आप को क्या मान लिया है? शरीर मान लिया है। तो बुद्धि भी वही है, मन भी वही है, शरीर भी वही है, तो अब शरीर का ही उपयोग करना पड़ेगा, मन का उपयोग करना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो जिसके पास जितनी क्षमता है, इसलिए कहा गया है इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। जिसका भी उस जिसको शरीर से कर सकता है कुछ यज्ञ, कोई मन से कर सकता है, कोई बुद्धि से कर सकता है। बुद्धि से कौन सा यज्ञ किया जाता है? बुद्धि से कौन सा यज्ञ किया जा सकता है? एक थोड़ा अच्छे से समझना, ऐसे नहीं कि हाँ 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 समझ में आ गया। ज्ञान यज्ञ। बुद्धि से ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं। शरीर से कौन सा यज्ञ कर सकते हैं? सेवा का यज्ञ। शरीर से योग यज्ञ, योग यज्ञ या तप यज्ञ, योग यज्ञ या तप यज्ञ, या और फिर उसके बाद लिखा मन से। मन से कौन सा कर सकते हैं? जप यज्ञ। जप यज्ञ कर सकते हैं। जप यज्ञ कर सकते हैं। और भक्ति यज्ञ। भक्ति यज्ञ कर सकते हैं। द्रव्य यज्ञ भी करता किससे करना पड़ता है? मन से करना पड़ता है। जो मन से वो त्यागता है कि मुझे जो ये पैसा देना है, कुछ करना है, तब वो कर पाता है। खाली शरीर से नहीं होता है वो। अल्टीमेटली तो सबका कनेक्शन मन से है, लेकिन उस मन का ज्यादा रोल उस वाले यज्ञ में होता है। बाकी में जब तप यज्ञ उसमें शरीर का ज्यादा रोल है। ठीक है, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहां पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। जितने भी यज्ञ बताए गए हैं ये किसके लिए बताए गए हैं? मुक्ति के लिए। वर्णाश्रम धर्म किसके लिए बताया गया बोलिए? वर्णाश्रम का धर्म का उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य
यस मुक्ति पाने का, मुक्ति पाना वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य मुक्ति पाना है। तो आपको याद होना चाहिए, देखो मेरे पास तो लिखा हुआ है, आपसे पूछता हूँ मैं, अपने जो 4.13 श्लोक पढ़ा था उसका वो खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए, उसमें हमने एक आध इम्पोर्टेंट लाइन या इस प्रकार से नोट करवाई होगी। 4.13 चौथे अध्याय का 13वां श्लोक क्या बोलते हैं भगवान उसमें, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में? सोनम सोनी जी यस प्रभु जी, मैं क्लासेस अभी बाहर से अटेंड कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास नोट्स भी नहीं, अभी भगवत गीता भी नहीं, भगवत गीता भी नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँ प्रभु जी? एक मिनट, विनोद अग्रवाल जी, क्या 4.13 में क्या बोल रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा, कहाँ रख दी किताब? मैं बोलूँ प्रभु जी? बोल दिया माता जी। हरे कृष्णा। हाँ मत बोलिए। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का त्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। जी, तो भगवान ने बोला था चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कि चार वर्ण और चार आश्रम मैंने बनाए हैं। किस आधार पर बनाए हैं? गुण और कर्म के आधार बनाए हैं। तो मैंने इसमें नोट्स में कुछ लिखवाया था कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है। कौन बताएगा अपने नोट्स से वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य? नोट्स में से बता दीजिए। अरुणा देवानी जी बोलिए। मनुष्य को पशु स्तर से उठाने के लिए। यस, मनुष्य को पशु स्तर से उठाने के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है, और उसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। यस बोलिए, पूरा बोलिए। और क्रमिक कृष्ण भावना अमृत के विकास के लिए। यस, क्रमिक कृष्ण भावना अमृत के विकास के लिए उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहला तो मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम बनाया है, मतलब कि नियम बनाए हैं, वर्णाश्रम धर्म, धर्म अर्थात नियम। और दूसरा जो है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्या लिखा था अरुणा जी, वापस बोलिए। क्रमिक कृष्ण भावना अमृत के विकास के लिए, ग्रेजुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट के लिए ये क्या बनाया गया? वर्ण और आश्रम बनाया गया है। यही बात कही गई है जिस प्रकार से, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। किसका विधान है? चतुर्वर्ण ले लो या फिर चार ये यज्ञ ले लो, इन सब का विधान किस लिए है? इन देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है कि अल्टीमेटली हमें ये सारे यज्ञ जो बताए गए हैं, और इन यज्ञों से होना क्या चाहिए, हम वेदों से जानेंगे और इस रूप में जानने पर हम मुक्त हो जाएंगे। धीरे 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 प्रैक्टिकली अगर हम समझेंगे कि इस वेदों का उद्देश्य क्या है, इन यज्ञों का उद्देश्य क्या है, तो हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हर एक यज्ञ क्या सिखा रहा है? इंद्रिय संयमन। जल्दी से बताइए, सिंपल सा प्रिंसिपल, इंद्रिय आसक्ति बंधन है या इंद्रिय अनासक्ति मुक्ति है? कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनासक्ति अनासक्ति मुक्ति है। अरे जी, दोनों ही तो सही बोला, दोनों कौन सा गलत बोला है? इंद्रिय आसक्ति जो है बंधन है, और इंद्रिय अनासक्ति जो मुक्ति है, तो दोनों ही तो एक सेम बोला है मैंने। तो ये जो बात यहाँ पर कही गई है कि अगर हम इंद्रिय आसक्ति रहेंगे तो क्या होगा? बंधन लगेगा। और ये जो यज्ञ क्या सिखाते हैं? अनासक्ति सिखाते हैं। डू योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट एंड डिवोशन, ट्रिपल डी। तो ये जो हमें समझने की बात है। और कोई भी वस्तु अपने जीवन में हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं तो उसका केयर करना पड़ता है। कुछ भी लेके आ गए आप, कुछ नया ईयरफोन लेके आ गए, कुछ घड़ी लेके आ गए, कुछ नया स्वेटर लेके आ गए भी सर्दियों में, तो ध्यान रखना पड़ता है स्वेटर कहीं रख तो नहीं दिया है, वो घड़ी कहीं रख तो नहीं दिया है। आप किस में आ जाते हो? बंधन में आ जाते हो। ऑलरेडी पहले से इतना सा उसका ध्यान रखना है, अब नया कुछ लेके आते हो उसका भी ध्यान रखना है, अर्थात कि हम बंध गए हैं, उस वस्तु ने हमें बांध लिया है। पर जब हम उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे अनासक्त भाव से, उससे आसक्त ना हो करके, वो है तो भी मैं सेवा करूंगा, वो ना है तो भी मैं सेवा करूंगा, इसको अनासक्त भाव बोलते हैं। ठीक है, ये यज्ञ हमें सिखाता है। हरे कृष्ण।
नेक्स्ट हम तात्पर्य की तरफ पूरा कर चुके हैं तात्पर्य। यहाँ बहुत सुंदर लाइन लिखी है, भगवान ने अपने श्रीमुख से कही है। श्रीमुख किसका बोला गया? हमारा कौन सा मुख बोला जाता है? श्रीमुख बोला जाता है क्या? कभी कभी बड़ा चढ़ाने के लिए बोल देते लोग, नहीं तो फिर आप जानते हैं कौन कौन से शब्द उपयोग किए जाते हैं हमारे मुख के। श्लोक संख्या 33 कृपया करके दोहराइए श्लोक को। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञा परंतपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक बार श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आप में से पढ़िए श्लोक को। हरे कृष्ण। भावना गुप्ता माता जी पढ़िए माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रेयान्द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बहुत सुंदर। हरि बोल। ज्ञाने परिसमाप्यते। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि अगर हम ये जान लेंगे कि सारे यज्ञ जो हैं वेदों में बताए गए, शास्त्रों में बताए गए हैं और अलग अलग कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और वेदों का पर्पज क्या है? ग्रेजुअल लिबरेशन, स्लोली स्लोली मुक्ति। तो लिखा गया था मोक्ष से मोक्ष हो जाओगे। यहां पर कह रहे परिसमाप्यते, ठीक है, शब्दार्थ। श्रेयान श्रेष्ठ, हमने पहले भी सुना हुआ, याद है आपको? श्रेय और प्रेय मालूम है ना? श्रेय मतलब श्रेष्ठ बेनिफिट, प्रेय मतलब छोटा इमीडिएट बेनिफिट। श्रेयान श्रेष्ठ द्रव्यमयात संपत्ति के यज्ञात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, ये पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा है परंतप। सर्वम सभी कर्म कर्म अखिलम पूर्णतः पार्थ हे प्रथापुत्र ज्ञाने ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। तो पहले तो अर्जुन के लिए यहाँ दो शब्द उपयोग किए गए हैं। आशका जयसवाल जी बताएंगे कौन से दो शब्द हैं अर्जुन के लिए। आशका जयसवाल जी, अर्जुन के लिए कौन से दो शब्द उपयोग किए गए? और पार्थ। आशका जयसवाल जी जी प्रभु जी क्या है? नहीं पता। ठीक है मैं बताऊं। परंतप। अभिनव माता जी ने बताया, आप सभी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। एक है अर्जुन के लिए शब्द हुआ परंतप और दूसरा पार्थ। जल्दी से याद दिला देता हूँ मैं आप में, और याद दिलाने में कोई मदद करेंगे। शची गुप्ता माता जी, पार्थ शब्द का क्या अर्थ है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस, कुंती का पुत्र है इसलिए उसका नाम पार्थ है। तो कुंती का नाम तो कुंती है, कुंती पुत्र होता है। कुंती का नाम तो कुंती है, तो कुंती का पुत्र कैसे पार्थ हो गया? दूसरे कोई मत बोलिए, कोई मत बोलिए, पूछा जाए तब। यस माता जी, सच्ची माता जी, कुंती प्रथा पुत्र, कुंती का पहले नाम प्रथा था इस वजह से पार्थ नाम है। क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल। तो थोड़ा सा जैसे इससे क्या कहते हैं, थोड़ा जोर देंगे ना दिमाग में तो याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो प्रथा पुत्र, प्रथा किसका नाम था? कुंती का। और कुंती जो पहले है प्रथा नाम से जानी जाती थी, जब सूरसेन जी ने उनको जो है कुंती भोज को दे दिया था, तब उनका नाम कुंती भोज, भोज राजा को दिया था, इनका नाम कुंती भोज हो गया था, बाद में कुंती हो गया था, फिर बाद में प्रथा से कुंती। आगे तो ये दो शब्द हो गए अर्जुन के लिए परंतप और पार्थ, और हम सब के लिए एक शब्द है जो संस्कृत शब्द है वो ये है श्रेयान श्रेष्ठ, और दूसरा है परिसमाप्यते। परिसमाप्यते
क्या है, समाप्त होते हैं। हरे कृष्णा, अनुवाद दोहराएंगे, प्लीज रिपीट। हे परंताप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हैं। हे पार्थ, अंतोत गत्वा सारे कर्म योग्यों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। बहुत सुंदर बात बताई गई है। याद कीजिए, शुरुआत कौन से दो यज्ञों से की गई थी? शुरुआत में दो यज्ञ बताए गए थे। कौन कौन से थे? शुरुआत में ही दो यज्ञों से शुरुआत हुई थी। या सुशील अमंत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ से शुरुआत हुई थी, और अब वही वहीं पर बात वापस आ रही है कि अब दोनों में कौन श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में कौन श्रेष्ठ है वो बताया जा रहा है। तो श्लोक संख्या ये 33 है, उसमें कहा जा रहा है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज इज बेटर देन सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन मटेरियल पोजिशन। भौतिक सुख सुख सुविधाओं के दान करने से, पैसे के दान करने से कौन सा सेक्रीफाइस बड़ा है? ज्ञान का। तो कई बार प्रभु जी लोग बोलते हैं, चलो आप ऐसा करो, डोनेशन वोशन मत दो, कोई बात नहीं, पर आप डेली 1 घंटा पढ़ाई करो, डेली करो आप जो है भगवद गीता का 1 घंटा 1 घंटा 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक पढ़ो। वो बहुत ऊपर है किससे? जैसे द्रव्य यज्ञ से। तो इसलिए कहा गया है श्रेयान, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ। द्रव्य मयाद यज्ञ, द्रव्य में जो यज्ञ किए गए, द्रव्य से यज्ञ किए गए। ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है किससे? द्रव्य यज्ञ से। नेक्स्ट क्या कहा गया? अंतोत गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, आफ्टर ऑल ओ सन ऑफ प्रता, ऑल सेक्रीफाइस ऑफ वर्क कल्मिनेट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब इसको उल्टा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? हरे कृष्णा, इसको उल्टा लेना पड़ेगा। कैसे? जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, अगर अंत में ये दिव्य ज्ञान में एंड नहीं होता इसका, अंत में ये दिव्य ज्ञान की तरफ, कृष्ण भावना में ज्ञान की तरफ आगे नहीं बढ़ता है, तो ये सारे यज्ञ काम के नहीं है। ये कहा जा रहा है यहां पर, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, ये सारे जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, ये सारे के सारे यज्ञ जो हैं, अल्टीमेटली कहां पर एंड होने चाहिए बोलिए? ज्ञान यज्ञ में। कौन सा ज्ञान यज्ञ बोला है? साधारण शब्द ही यूज किया है। स्वाति जी बोलिए, कौन सा ज्ञान यज्ञ बोला है? कौन सा ज्ञान यज्ञ है? अष्टांग ज्ञान यज्ञ, अष्टांग सिंपल। यस, दर्शना बनाने माता जी मदद कीजिए, लिखा हुआ है शब्द अनुवाद में, दिव्य ज्ञान यज्ञ। दिव्य ज्ञान यज्ञ, साधारण ज्ञान यज्ञ नहीं है ये, केमिस्ट्री ज्ञान यज्ञ, फिजिक्स ज्ञान यज्ञ, जिसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा, मोक्ष की तरफ मुझसे आगे नहीं बढ़ेंगे। किससे आगे बढ़ेंगे? दिव्य ज्ञान से। तो सारे के सारे, जैसे बोलते हैं ना, सारी नदियां अंत में कहां मिलनी चाहिए? समुद्र में मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से सारे यज्ञ अंत में कहां पहुंचने चाहिए? दिव्य ज्ञान की तरफ पहुंचने चाहिए, तभी उनका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इतनी तपस्या करने का, इतना योग करने का, इतना दान देने का, अल्टीमेटली कहां तक आना चाहिए? कि मैं जो हूं भगवान कृष्ण का अंश हूं, और मेरा भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है, इस ज्ञान पर वो आना चाहिए। दान दे करके, तपस्या करके, अष्टांग योग का पालन करके, और भी ज्ञान यज्ञ, श्रवण यज्ञ, और भी अलग अलग समाज यज्ञ, परिवार यज्ञ, देश यज्ञ, इन सब का पालन करके अंत में कौन से ज्ञान पर आना चाहिए उसको? कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का शाश्वत हूं, अंश हूं। तो यही बात बताई जा रही है। अब हम इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया उससे, ठीक है? हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हैं। हे पार्थ, अंतोत गत्वा सारे कर्म यज्ञों का
अवसान एंड कल्मिनेशन, प्रभुपाद जी इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज किया वर्ड प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, कल्मिनेट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कल्मिनेशन एंड होता है, मिलते हैं तात्पर्य, तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। अरे प्रभु जी दो दो प्रयोजन क्या बता दिए, पहले भी तो एक प्रयोजन बताया था, कौन बताएगा पहले क्या प्रयोजन बताया था? यस, श्लोक संख्या 30 का तात्पर्य पढ़िए, पहली दूसरी लाइन पढ़िए, स्वाति जी लाउडली पढ़िए, इतना जोर से बोलिए सब जो दिल्ली में बैठे गुड़गांव में बैठे हो सबको सुनाई दे, बॉम्बे है। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ 30 का, 30 का तात्पर्य बोला, 30 का तात्पर्य श्लोक संख्या 30 का ही बोल रही हूँ प्रभु जी। नहीं नहीं वो तात्पर्य बोल रहा हूँ मैं, आप अनुवाद पढ़ रहे हैं। अच्छा तात्पर्य पूरा पढ़ना है, दो तीन नहीं आगे की। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। बस तो इंद्रिय निग्रह, और आगे लिखा हुआ इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल पर उठ पाना मुश्किल है। तो इंद्रिय तृप्ति के धरातल से ऊपर उठना है, और इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर से मुक्त होने का जो कैसे मुक्त होंगे, इंद्रिय तृप्ति से कैसे मुक्त होंगे, विभिन्न प्रकार के यज्ञों से। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उद्देश्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति के धरातल से ऊपर उठाना, इंद्रिय तृप्ति से इंद्रिय संयमन। अब आज के श्लोक के तात्पर्य में देखिए इसी तरह की बात लिखी गई है, अब आपको मैच करना है दोनों को, ठीक है, दोनों को मैच करना है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है, पहले तो बताया इंद्रिय संयमन, अब क्या बताया, यही एक प्रयोजन है क्या, कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। अब दोनों को कनेक्ट कीजिए, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। कनेक्ट कर पाए स्मिता पटेल माता जी, कनेक्ट कीजिए दोनों को। एक में बोला गया है कि सारे यज्ञों का उद्देश्य है इंद्रिय निग्रह, दूसरे में बोला जा रहा है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। यस, बहुत सरल है। हाँ प्रभु जी, हाँ वो दोनों को मतलब सेम ही है ना दोनों, कैसे सेम है वही पूछना चाह रहे हैं। दोनों में यही बताया गया है कि वो एक में तो बताया इंद्रिय संयमन और एक में बताया पूर्ण ज्ञान, तो कैसे कैसे इंद्रिय संयमन का मतलब ये पूर्ण ज्ञान होना यही ना? बिल्कुल सही। यस, कोई और बताइए। बिल्कुल सही श्रुति माता जी। प्रभु जी इंद्रिय निग्रह तभी हो पाएगा जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप बताई गई है, जब हम ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो कि दान यज्ञ हैं या तपो यज्ञ हैं योग यज्ञ हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है, इंद्रिय निग्रह। और इंद्रिय निग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे, कृष्ण भावनामृत कर्म, और कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे तो क्या होगी, मुक्ति होगी। तो यही तो लिखा है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पा सके। भौतिक कष्ट क्यों है, उत्तर ज्ञान है, हाँ अज्ञानता के कारण नहीं है, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण क्या करते हैं, पाप, पाप कैसे होते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के कारण। नहीं नहीं थोड़ा और आगे जाइए, पाप कैसे करते हैं, हम करते कैसे हैं, वो भी अज्ञानता के कारण होता है प्रभु जी, अज्ञानता के कारण करते कैसे हैं, कर्मों के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति करके, इंद्रियां कंट्रोल में। पाप क्यों करते हैं, जब याद कीजिए ना, अर्जुन ने पूछा था कि भगवान मैं नहीं चाहते हुए भी पाप करता हूँ, ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई फोर्स करवा रहा है, तो भगवान ने क्या बोला, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये अर्जुन ये काम ही है वो क्या करवाता है, तुमसे पाप करवाता है। तो इंद्रिय तृप्ति क्या है बोलिए,
इंद्रिय तृप्ति क्या है? पाप। काम। इंद्रिय तृप्ति क्या है? काम है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तुम्हारे से क्या करवाती है? पाप करवाती है। कभी कभी लालच, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में लालची हो जाते हैं तो मैं किसी का चोरी करवा लेती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में किसी का भोजन चुरा लेती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में किसी का क्या कह सकते हैं हम उसको एक्सप्लोइट कर देते हैं, उसका मान लीजिए पैसा वगैरह उसको हम दुर्व्यवहार कर लेते हैं उसके साथ। ये सब किस लिए करते हैं? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से। मेरी इंद्रिय तृप्त हो, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, उस इच्छा के कारण ही तो हम जो है पाप कर बैठते हैं और कभी कभी इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर, पिछले श्लोक पे जो 30 वाला में उसमें भी यही बात कही गई है। देखिए वापस पढ़ता हूं, इन सबका उद्देश्य एक ही है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। इंद्रिय तृप्ति के कारण इस भौतिक जगत में फंसे हुए। अगले श्लोक में भी लिखा हुआ तात्पर्य में, भौतिक अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन का बहुगणित फलों का कारण है। भौतिक अस्तित्व क्यों है? अब पाप कर्मों के कारण है, राइट। जो अगला श्लोक में उसमें ये लिखा हुआ है, आप मने वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक अस्तित्व ही मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति के भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद धरातल, सच्चिदानंद के नित्य धरातल उठ पाना संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति से हमें बाहर निकलना होगा। तो यही है सारी बात। तो आगे कहा जा रहा है, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। आज के तात्पर्य में आ जाइए, आज के श्लोक के तात्पर्य में, भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर हम किसकी सेवा करेंगे? रीनल माता जी, भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर हम किसकी सेवा करेंगे? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, ये लिखा है। छुटकारा पाकर अंत में दिव्य सेवा कर सके, भगवान की दिव्य सेवा कर सके। तो इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। जितने भी ये यज्ञ की क्रियाएं बताई हैं, इसमें क्या है? रहस्य। और रहस्य क्या है? कि मुझे इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना है और इस ज्ञान में स्थित होना है कि मैं भगवान का नित्य अंश हूं और फिर उस दिव्य सेवा में लग जाना है। ठीक है, आगे। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार। कर्ता चाहता है वो द्रव्य यज्ञ करे, कर्ता चाहता है ज्ञान यज्ञ करता है, कर्ता चाहता है योग यज्ञ, जो भी व्यक्ति जैसा यज्ञ चाहता है उसके अनुसार वो दूसरा विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। हरे कृष्णा। अब आप एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रैक्टिकल बात, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। आपके अंदर जो भी श्रद्धा थी कि आप किसी गरीब को देख के दुखी होते थे, कुछ दे देते थे, कपड़े दे देते थे, घर में जो भाई वगैरह काम करने वाले आते उनको कुछ मदद कर देते थे, या कुछ भगवान से ही कुछ मांग लेते थे, फिर उसी के द्वारा आगे कुछ और आप मांगने के बाद उसको और भी बच्चों के लिए, परिवार के हित के लिए, या इस प्रकार के काम में भगवान से कुछ पूछते थे, अपने लिए ना मांगकर ठीक है परिवार के लिए, बच्चों के लिए मांगते थे, देश के लिए कुछ बोलते थे या कुछ दान करते थे, पुण्य करते थे, सेवा करते थे, जो भी ये भावनाएं थी वो गलत नहीं थी। क्यों गलत नहीं थी? क्योंकि ये अल्टीमेटली ये कहां पर लेके आई आपको, बोलिए, दिव्य ज्ञान तक लेके आई, तब जाके ये सही है। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए किसी को गलत नहीं ठहराना है, उसको धीरे 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 उसको समय देना है कि अंत में वो कहां पर आ जाए, दिव्य ज्ञान की तरफ आ जाए। आज हम स्थित हो गए हैं, आज थोड़ा सा आप हिचकिचाएंगे,
क्या करते समय किसी गरीब को 5 रुपए 10 रुपए देते हुए भी थोड़ा सोचेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो मुझे अब थोड़ा कर्म बंधन में बांध लेगा। बेटर है कि मैं कुछ कृष्णा कॉन्सियस दान करूं, कृष्ण भावना मृत में उसको कुछ भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद दू, कुछ भगवान से संबंधित कुछ बात बता दू, कृष्ण का महामंत्र दे दू, कुछ इस प्रकार से आप उसको बोलो कि आप चलो ये 10 रुपए लखो 20 रुपए लखो जो भी है, पर बच्चा तुम भगवान का नाम भी जप करना, ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ संपत्ति है, इसका वैल्यू करना, इसको दुरुपयोग मत करना, ये अब आपके मन में एटलीस्ट आएगा, ये दिव्य ज्ञान में स्थिति हो गई है। ये मैं प्रैक्टिकल यही कहना चाह रहा था कि हमने जो 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 किया, आज आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, इसको बोलते डॉट्स कनेक्शन, यहां से इधर, इधर 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 से इधर, अंत में आपको पिक्चर पूरी दिखाई देती है। ओ कृष्णा वॉन्टेड मी टू बी हियर, दैट्स वाई आई डिड ऑल दिस एक्टिविटीज इन माई लाइफ, मैंने ये किया जिससे कि मैं यहां तक पहुंच सकूं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं वापिस से। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। रहस्य क्या है? अल्टीमेटली ये सारे यज्ञ ये बताते हैं कि हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं, भगवान के दास हैं। कभी कभी कर्ता के श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण करते हैं, करता है जो श्रद्धा होती है उसके अनुसार। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित, इस बात को पूरा समझ लीजिए, ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। द्रव्य यज्ञ कैसा बोला गया है? ज्ञान रहित। अब बोलिए क्या मतलब हुआ ये? ज्ञान बिना भक्ति, बिना ज्ञान का, बताइए जिसको समझ में आ गया बताइए। ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ किसी को दान दे देते हैं हम लोग जरूरत के अनुसार, जो आपने बताया गरीबों को दान दे देते हैं उस तरह के, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, सामान देते हैं। ज्ञान, हाँ बोलिए स्वाति जी। हाँ, ज्ञान रहित अज्ञान में ही। तो जल्दी से खोलिए अध्याय 18 और अध्याय 18 में खोलिए श्लोक संख्या आई थिंक कितना है 8 है। अध्याय 18 खोल लीजिए, अपने पास 5-6 मिनट और है, बस 5-4 मिनट। अध्याय 18 और श्लोक संख्या है 18 है कि प्रभु जी 20 है क्या? 20 दान, दान का श्लोक देखिए, दान जिसमें लिखा हुआ है। प्रभु जी 5 नंबर में भी लिखा है यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का, नहीं नहीं वो नहीं, 18.5 नहीं है, दान का लिखिए कहाँ लिखा हुआ है। प्रभु जी 5 नंबर श्लोक में लिखा है। नहीं माता जी वो नहीं, वो वाला नहीं, नंबर वाला नहीं है। 29 प्रभु जी, 29 बस 29 नहीं मतलब 29 में कहां पर है? 28 प्रभु जी, अयुक्तम प्राकृत शब्द इसमें नहीं है माता जी, 28 में नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हरे कृष्ण ये एक्चुअल में 17 चैप्टर में है 19, 20, 21 नहीं, 21-20 में है, 20 देखिए, 20-21 और 22, 20-21-22
20:21-22 17वां अध्याय 20:21-22 20वें का अनुवाद पढ़ता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रतिउपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अगेन इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, ये दिव्य दान नहीं है, ये कौन सा है, तीनों गुणों के अंदर ही है। सत्व गुण कौन से अंडर में आता है, अंदर में आता है, प्रकृति के अंडर में, दिव्य नहीं है। पर तीनों में कौन सा अच्छा है, सत्व गुण में, अर्थात सत्व गुण में व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है। क्या, जो दान कर्तव्य समझकर, ड्यूटी है मेरा ये, किसी प्रतिउपकार की आशा के बिना, कोई रिटर्न की इच्छा नहीं है मैं इतना कर रहा हूं तो आगे मुझे पुण्य मिलेगा और रिटर्न की इच्छा नहीं है, समुचित काल सही समय में तथा स्थान में कई सही स्थान पर धाम आदि में, और योग्य व्यक्ति को यह भी जानना है कि ये क्वालिफाइड पर्सन है कि नहीं है, तो योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो यही कहा जाता है कि बिना, आगे और श्लोक है जल्दी पढ़ लेता हूं। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना, मतलब वापस चाहने की भावना, या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी दान कहलाए, ले ले दान, प्रत्युपकार की भावना से मुझे वापस चाहिए, रिटर्न चाहिए, उसमें लाभ चाहिए, चल निकल 5 रुपए लेके 10 रुपए निकल के, वो क्या है, राजसी दान है। नेक्स्ट, जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित स्थान, बिना समुचित ध्यान आदर के दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ये तामसिक दान है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पर मैं जो बात कहना चाह रहा था वो हमारे इस 4वें अध्याय से, समय का ध्यान रखना है हमें। ये कहा जा रहा है जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, कौन कौन सा यज्ञ करता, भले वो कर्म योग का यज्ञ करता हो, दान यज्ञ का हो, योग यज्ञ का हो, तप यज्ञ का हो, कौन से भी यज्ञ का हो, उसकी श्रद्धा कहां पहुंच जाती है, दिव्य ज्ञान तक स्थित हो जाती है। आगे दिव्य ज्ञान तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ, ज्ञान रहित, समझ गए ना, बिना ज्ञान के दान देने वाला श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना इस भौतिक, इस ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था जब तक दिव्य ज्ञान में नहीं पहुंचेंगे ये सारे के सारे यज्ञ तब तक काम के नहीं है, काम होने ही चाहिए, इन सब का अंत दिव्य ज्ञान में होना ही चाहिए। इसलिए ज्ञान के बिना यह यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, मटेरियल बने रहते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता, नो स्पिरिचुअल बेनिफिट, इट रिमेन्स ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब ज्ञान का भी अल्टीमेटली एंड कहां पर है, कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत अर्थात मैं भगवान का नित्य शाश्वत अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं और भगवान की उस सेवा में आप लगे रहते हैं, ये पूरे इस ज्ञान का परिसमाप्य है, एंड है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। अगर आपको ज्ञान धीरे धीरे आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, ज्ञान में नॉलेज के स्तर पर नहीं बढ़ रहे हो तो ये सारा सारा भौतिक कर्म बना रहता है। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर कर लेते हैं। जब दिव्य ज्ञान आ जाता है तो सारे के सारे कर्म, सारे यज्ञ आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ये कर्म कांड समझ में आ गया, नहीं आया, पहले तो एक उदाहरण दे देता हूं, मैंने जल्दी से एक उदाहरण ले लेता हूं, समझ जाएंगे इससे आप ना, समय हो चुका है, जल्दी से बोलता हूं। एक बार एक साइंटिस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था और इतनी ज्यादा रिसर्च कर रहा था
कि ये जो घास होती है ना, घास कैसे उगती है ये मालूम करना चाह रहा था, और इसकी पत्तियां हरी क्यों होती है, इसका कलर हरा क्यों होता है घास का, ये जानने की कोशिश कर रहा था। तो हमने समझा था कि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको क्या मिलता है, सुख मिलता है, खुशी मिलता है ज्ञान प्राप्त करने पर। तो अब आगे बताया जा रहा है कि जैसे ही उस व्यक्ति ने, जैसे ही उस साइंटिस्ट ने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की कि ये पौधा, ये घास, ये हरी क्यों है या इसका विकास कैसे होता है, तब उसको ज्ञान मिला। प्रभुपाद जी ने पूछा उससे, What are you looking for? तो बोलता है, I want to understand how this grass grows and why its color is green. प्रभुपाद जी ने बोला, very nice, wonderful research. But have you ever thought why this grass is growing? Who is the source behind that? प्रभुपाद जी ने उससे बोल दिया। तो ज्ञान तो था, खुशी मिल रही थी, और उसके पीछे एक और है जो वो रहस्य, क्या बोला था पीछे लिखा था ना, सारे यज्ञों की विविध प्रक्रियाओं में रहस्य भरा है। रहस्य क्या था कि वो अल्टीमेटली वो ग्रो क्यों हो रहा है, कौन उसको ग्रो करवा रहा है, क्या इसके अंदर ऐसा है जिसके कारण वो ग्रो कर रहा है, वो ज्ञान जो अगर तुम जाते हो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि ये जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, जितना भी लोग साइंटिस्ट वगैरह ये कर रहे हैं, ये सब कुछ फेल हो जाएंगे अगर ये नहीं कहेंगे वो देयर इज अ गॉड, देयर इज सुप्रीम पावर, देयर इज सम पावर विच इज मेकिंग दिस हैपन। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला मालूम है, इफ यू बिलीव इन साइंस देन साइंस विल बिलीव यू, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। If you believe in science, then science will force you to believe in God, because आप पहुंच तो जाएंगे बहुत सारे चीजों के पर, फिर इस आपके मन में प्रश्न आ रहे, ये बताओ अब ये घास उगता क्यों है, कोई कुछ बीज नहीं डाला, कुछ नहीं किया, घास उग गया, ये उगता क्यों, इसी तरह का क्यों उगता है, ये सब जब प्रश्न आएंगे तो आप किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, शास्त्रों की तरफ, भगवान की तरफ। If you believe in science, then science will force you to believe in God. Because science doesn't exist without God. भगवान के बिना तो साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कर्मकांड की बात, एक मिनट और। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, किसको, भौतिक ज्ञान को, भौतिक स्तर के कामों को दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया, तो उसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। इसको आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए, घर में आप जैसे चपाती बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये जब भगवान के, भगवान से संबंधित नहीं है तब तक क्या बने रहेगा, बोलिए मटेरियल। जैसे ही भगवान से कनेक्ट कर देंगे स्पिरिचुअल, याद कीजिए एग्जांपल पैसे का, और जो देवकी और वसुदेव जी उसमें कंस के किले में थे, तो जब उनके हाथ में वो बच्ची आई थी कंस, देवकी और वसुदेव जी में, तो हाथ में वो आंतरिक शक्ति थी भगवान की, जैसे ही वो कंस के हाथ में चली गई वो भौतिक शक्ति हो गई, राइट। तो यही कहा जा रहा है कि उसे दिव्य ज्ञान तक स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्मिकता आ जाती है उसमें। अब एक और बात आ गई है, थोड़ा सा इसमें समझने की बात है, ये बस एक ही बात है, उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा। श्लोक संख्या इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को, मैं इंग्लिश, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंसेस इन कॉन्शियसनेस सैक्रिफिशियल एक्टिविटीज आर सम टाइम कॉल्ड कर्म कांडा। कभी कभी व्यक्ति की मानसिक चेतना के ऊपर जो वो कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, यज्ञ वगैरह करता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, कर्म कांड। कर्म कांड का अर्थ समझते हैं ना आप, कर्म कांड का अर्थ बताइए आप में से कोई जल्दी से, फास्ट। प्रभु जी शास्त्रों में दिए गए कर्म, शास्त्रों में दिए गए कर्म, और की पूजा करना, ब्राह्मण योग बताते प्रभु जी ये करवा लो वो करवा लो गायत्री। हाँ। कोई बोल रहे पंडित जी, हाँ बोलिए, स्वीकार करके, रुक जाइए किसी, हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। और कौन बोल रहा था, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म कांड किए जाते हैं उन्हें, या भौतिक वस्तुओं की चीजों की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो रिचुअल्स पालन करते हैं, रिचुअल समझते हैं ना,
विधि विधान है कि भी घर में प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश होना ही चाहिए, उसके लिए घर में होम करवाना है, उसमें यहाँ पर हाथ के जो हाथ में पूरा कुमकुम लगा करके सब दीवारों पर चिपकाना है, आजकल तो नहीं करते ये सब, और नारियल फोड़ना है, तो ये रिचुअल जो है इसको कर्मकांड बोला गया। तो कई बार व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के अनुसार वो किसमें स्थित हो जाता है, कर्म कांड में। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एंड समटाइम्स ज्ञान कांडा नॉलेज इन परसुएट ऑफ द ट्रुथ, कभी कभी वो ज्ञान कांड में स्थित हो जाता है, मतलब कि वो दिव्य ज्ञान की खोज में, ज्ञान में वो कर्म जो भी वो कर्म करता है वो स्थित हो जाता है, और कभी ज्ञान कांड। ठीक है, इट इज बेटर वेन द एंड इज नॉलेज, अल्टीमेटली दिव्य ज्ञान में जब इसका अंत है तो वो अच्छा है। अब ये दिव्य ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, सारे यज्ञ करो, कर्म यज्ञ करो, दान यज्ञ करो, योग यज्ञ करो, इनका अंत दिव्य ज्ञान में ही होना चाहिए। तो कैसे प्राप्त करें इस दिव्य ज्ञान को, कहां मिलेगा ये दिव्य ज्ञान, इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो वो बताया गया अगले श्लोक में जिसको हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कल का, प्लीज डोंट मिस द क्लास। और हमने रिचार्ज भी करवा दिया, क्या बोलते, लाइसेंस भी ले लिया,